सब्र का फल मीठा होता है बाबू भैया, सब्र का फल मीठा होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो जेट। मैं हूँ सुनील। जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला है कि सब्र का फल मीठा होता है, हाँ पक्का होता है मीठा, ये याद रख लो आप लोग। तो इतना मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ना, तो इतना जल्दबाजी मत करिए, ठीक है? चलते हैं फटाफट बाइनेंस ऐप में, मार्केट का जायजा लेते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं। हम लोग अभी बाइनेंस एप्लीकेशन में आ गए हैं। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीटीसी का प्राइस 38,000 चल रहा है अभी। मैंने दो दिन पहले वीडियो में बताया था आपको कि बीटकॉइन अभी 50,000 या 75,000 तक जा सकता है, पक्का जाएगा 75,000 तक, ये तो आप लिख के रख लीजिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट 50K तो फाइनल है, पक्का है, इसका नेक्स्ट टारगेट 50K ही है, ठीक है? तो अभी 38 में चल रहा है। जैसे कि मैंने दो दिन पहले बताया था आपको कि सारे ऑल्ट्स में आप लोग एंट्री ले लो और होल्ड करो, अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ये मार्केट तो यहाँ पे फ्लक्चुएट होता ही है, तो आपको होल्ड करने में ही मतलब प्रॉफिट मिलेगा। तो BNB का कॉल मैंने दिया था 379 में, अभी देखो कहाँ पे चल रहा है मार्केट, 385, वो 386 तक जाके आ चुका है। तो यही होता है टेक्निकल एनालिसिस। BNB बताया था आपको, सोलाना बताया था आपको 85 में, अभी सोलाना थोड़ा नीचे आ गया है, फिर भी मैंने 84 जब था तभी बोला था आपको बाई करने के लिए, फिर भी आप लोग अभी प्रॉफिट में रह पा रहे होंगे, ठीक है? तो अभी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है, यह आराम से 100 के ऊपर जाएगा, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है यहाँ से सोलाना में। तो वेस्ट टाइम है अभी ऑल्ट्स में एंट्री लेने के लिए, अभी भी टाइम है, तो आप ले सकते हो। BNB हो गया, सोलाना हो गया, एप कॉइन हो गया, GMT हो गया, ये सब में आप लोग अभी एंट्री ले सकते हो। लूना हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स कॉइन हैं जो कि अभी मतलब उसके ऑल टाइम हाई से 80-90% नीचे हैं, तो आप लोग फटाफट इसको बाय कर सकते हो, ठीक है? तो आज के वीडियो में यही मेरे को बोलना था कि आप लोग सब्र किया करो, आपको प्रॉफिट पक्का मिलेगा, पक्का। कभी भी मार्केट धड़ंग से ऊपर नहीं जाता है, धीरे धीरे रुक के जाता है, वो जैसे स्टेयर्स होते हैं ना, कैसे होता है, तो ऐसे ही जाता है मार्केट। तो फटाक से ऊपर जाएगा तो फटाक से नीचे भी गिर सकता है, तो हम लोग तो ऐसे उम्मीद नहीं करेंगे कि नीचे गिरे। और मैं मार्केट को लेके अभी भी बुलिश हूँ, तो आराम से ये मार्केट आपको एक दो हफ्ते के अंदर या मोस्टली 15 दिन के अंदर 50K के पास दिखाई देगा, ठीक है? अगर आपको मेरा ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, कोई सब्सक्राइब कर लो, मैं अच्छा चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, तो मेरा कॉल कभी मतलब नुकसान में नहीं जाता है, हमेशा प्रॉफिट में रहते, बस होल्ड करना पड़ता है थोड़ा, मैं टारगेट भी देख के रखता हूँ हमेशा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार, आप लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा वीडियो लेके आ रहा हूँ फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते यार, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो यार, आगे बढ़ाओ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज। आरती।